वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसवी तांसु। दोस्तों, बिहार सचिवालय के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं। जो लोग 67वीं बीपीएससी पीटी या बिहार प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी इस सेट को जरूर लगाएं। इसमें सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की संभावना सबसे अधिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीडीपी अपस्फीति कारक कहलाता है? तो दोस्तों जीडीपी अपस्फीति कारक कहलाता है अवास्तविक से वास्तविक जीडीपी का अनुपात। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं? तो दोस्तों वह संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो दोस्तों लिखित संविधान नहीं है यूनाइटेड किंगडम के पास, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास, बांग्लादेश के पास तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पास लिखित संविधान है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर ए। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का या न्यायिक पूर्णालोकन की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो दोस्तों तक्षशिला स्थित था सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? तो दोस्तों वह पदार्थ है हेमेटाइट। हेमेटाइट पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, दारोबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एम स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों टिस्को की स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में विहान ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों बिहार में विहान ऐप का संबंध है कृषि क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, भारत के कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भारत के कच्छ का रण प्रसिद्ध है ज्वारी मिट्टी के मैदान के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? तो दोस्तों वाणिज्य बैंक ऋण देते हैं कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है जुलाई से जून। अगला प्रश्न है, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो दोस्तों यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो निर्यात सस्ता तथा आयात महंगा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जा सकता है? तो दोस्तों जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से मापन किया जा सकता है देश का सामाजिक तथा आर्थिक विकास का।
अगला प्रश्न है, रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? तो दोस्तों रागिनी हरियाणा राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिप रेखा कहलाती है? तो दोस्तों रेड क्लिप रेखा कहलाती है भारत तथा पाकिस्तान की सीमा रेखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों जो युग्म गलत है वह है ऑप्शन नंबर ए, अमजद अली खान तबला, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। अमजद अली खान का संबंध है सरो से, न कि तबला से। बाकी सभी दोस्तों सही दिए गए हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खान का संबंध है शहनाई वादन से। हेमा मालिनी जी का संबंध है भरतनाट्यम से। शंभू महाराज का संबंध है कथक से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो दोस्तों सही ढंग से मेल नहीं खाता है वह है ऑप्शन नंबर सी, अरनमूला कनादी आंध्र प्रदेश, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। अरनमूला कनादी जो कि केरल राज्य की है। भारत में दूसरा जीआई टैग अरनमूला कनादी को दिया गया था, जो कि एक दर्पण होता है और केरल राज्य में बनाया जाता है। बाकी सभी दोस्तों सही दिए गए हैं। चखाओ यानी कि काला चावल मणिपुर का है, बंदर लड्डू आंध्र प्रदेश का है तथा वर्धमान सीताभोग पश्चिम बंगाल का है। अगला प्रश्न है, FAO किसकी एजेंसी है? तो दोस्तों FAO एजेंसी है UNO की। अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जीता था KD जाधव ने। KD जाधव ने 1952 के हेलसिंकी समर ओलंपिक में रेसलिंग में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था वैशाली में। द्वितीय बौद्ध समिति वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों चंपा राजधानी थी अंग महाजनपद की। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों वह नगर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? तो दोस्तों आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बद्रुद्दीन तैयब जी। इन्होंने 1887 ईस्वी में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन का, जिसका आयोजन मद्रास में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था?
तो दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था 1911 ईस्वी में। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद द्वारा 1911 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो दोस्तों वह सत्याग्रह था बारदोली सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1920 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो दोस्तों अरुणा आसफ अली जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, शिव किला जम्मू व कश्मीर, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी सभी दोस्तों सही दिए गए हैं। जिलेपला दर्रा सिक्किम में है, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों वह द्वीप है मिनिकाय, जो कि भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। जबकि दोस्तों भटकल द्वीप कर्नाटक में है, अर्नाला द्वीप महाराष्ट्र में स्थित है और हेनरी द्वीप पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो दोस्तों बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। बिहार राज्य के पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई 99 किलोमीटर है, जो कि सबसे लंबी है, तथा 97 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई के साथ भागलपुर दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा ब्रिज समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो दोस्तों समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है देवदार ब्रिज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो दोस्तों बाण सागर बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। बाण सागर बांध दोस्तों सोन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मीठी वृद्धि परमाणु षड्यंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों मीठी वृद्धि परमाणु षड्यंत्र यूएसए के सहयोग से स्थापित किया जाएगा, और दोस्तों यह स्थापित किया जाएगा गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। डालमिया नगर दोस्तों रोहतास जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो दोस्तों सबरीमाला स्थित है केरल राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो दोस्तों एपिनाइन पर्वत, जो कि इटली में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दक्षिणी अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी,
बुशमैन दक्षिण अफ्रीकी संघ, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। बाकी सभी दोस्तों सही दिए गए हैं। एनू जापान में पाई जाती है, मसाई केनिया में तथा पापुआंस न्यू गिनी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में चमड़ा उद्योग कहाँ नहीं है? तो दोस्तों बिहार में चमड़ा उद्योग नहीं है आरा में। बिहार में चमड़ा उद्योग मोकामा, दीघा, गया में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं जाता है? तो दोस्तों वह राजमार्ग है NH 15, जो कि बिहार से नहीं जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 भारत में एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह राजमार्ग असम में बेहटा से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश के बोकड़ो में समाप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो दोस्तों इसमें सही ढंग से मेल नहीं खाता है वो है ऑप्शन नंबर डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1995 से लेकर 2000 तक, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1992 से लेकर 1997 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है? तो दोस्तों विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है WTO, जबकि IBRD, IDA तथा IFC, यह तीनों संस्थान दोस्तों विश्व बैंक की समुदाय का अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर GST द्वारा समाप्त कर दिया है? तो दोस्तों GST द्वारा समाप्त कर दिया गया है सेवा कर को। GST भारत में लागू सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करेगा। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इसलिए इसे पूरे भारत में समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो दोस्तों भारतीय संघवाद कनाडा देश की पद्धति पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था में, तो दोस्तों संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो दोस्तों वह मामला था उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती है? तो दोस्तों पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी पाई जाती है मैंग्रोव वन में। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो दोस्तों इसमें उपधातु हो जाएगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी जिस समय सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो दोस्तों पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है उस समय उसकी स्थिति होती है एफिलियन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों वह अधातु है सल्फर। सल्फर अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है,
रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? तो दोस्तों रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है स्फिग्नोमीटर। अगला प्रश्न है, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर क्या होगा? तो दोस्तों हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो दोस्तों वह विकिरण है 200 से लेकर 280 nm के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक व्यक्ति त्रिप्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उस समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होगा। अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर तो दोस्तों कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है, एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ों की आवाज़ को सुनता है तो उसे दो बार आवाज़ें सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो दोस्तों मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि है 10^6 ओम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, जो एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, माइका क्या है? तो दोस्तों माइका है ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप में सूखी बर्फ क्या है? तो दोस्तों रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस की परसेंट मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? तो दोस्तों वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका परसेंट वायुमंडल में सबसे कम है, और दोस्तों इसका परसेंट है 0.03%। अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है ब्यूटेन गैस। अगला प्रश्न है, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो दोस्तों जीवों के विकास के संदर्भ में जो अनुक्रम सही है वह है ऑप्शन नंबर सी, पहले होगा सलामेंडर, फिर अजगर, तब कंगारू। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है? तो दोस्तों लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लैग्यूम मूल ग्रंथियों में। अगला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो दोस्तों जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो दोस्तों मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है?
तो दोस्तों वह प्रकरण है ऑप्शन नंबर बी, पर्याप्तम ऊर्जा स्थितित ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। अगला प्रश्न है, नीम में से किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों वह फल है करौंदा, जिसमें लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है? तो दोस्तों मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग से बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम में से परजीवी पौधे को पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसमें परजीवी पौधा हो जाएगा अमरबेल। थैंक यू।